हमारा फ्यूचर बच्चे के लिए लड़ाई मंदिर के लिए हम टैक्स नहीं देते हैं, पढ़ाई के लिए हम टैक्स दे देते हैं। मेरा टैक्स पढ़ाई के लिए जाना, मेरा टैक्स मंदिर के लिए नहीं जाना। ऐसा टैक्स मनी फालतू में स्ट्रक्चर्स को बढ़ा रहा है, वो हमको नहीं चाहिए। शिक्षा में स्पेंड करना, तभी हम टैक्स का पेड़ करेंगे। हमको पढ़ाई चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी को पब्लिक मनी स्पेंड करना है। मंदिर को पैसा देने में बहुत लोग हैं, हम पढ़ाई के लिए पैसा दे देंगे, पढ़ने के लिए दे देंगे, स्वास्थ्य के लिए दे देंगे पैसे, किसी दूसरे फालतू के लिए नहीं दे देंगे। मैं एक महीने में 35,000 रुपए टैक्स पे करता हूँ, ये टैक्स कहाँ जा रहा है? कौन जिम्मेदारी है? आस्था विस्था का क्या है? क्या जरूरी है बच्चे के लिए? पढ़ाई जरूरी है, आस्था जरूरी है। जो आस्था जरूरी लोग वो अलग है, जो पढ़ाई करने लोग है यहाँ पे उसका ऊपर क्यों खर्च नहीं करना सरकार, उसका ऊपर ही खर्च करना। पूरा शिक्षा को कर्म कर रहे हैं। जो देश शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं करेगा ना, वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो अदानी अंबानी का सरकारी है, जनता लोगों का सरकार नहीं है। देखिए जो जेएनयू के जो छात्र हैं उनको अलग अलग तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है बताएंगे? मैं प्रोफेसर एन सुकुमार हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। आपने ये बैनर लिया अखबार का, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है जो पुलिस का जुलूम उस दिन जेएनयू लोगों पे हुआ उसका खिलाफ हम यहाँ पे हुआ। उसके साथ साथ जो फीस स्ट्रक्चर बढ़ गया वो फीस स्ट्रक्चर का खिलाफ लड़ रहा है। जो इंस्ट्रक्शन इतना बढ़ा दिया है, पूरा देश में अंदर इतना विद्यार्थी लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। IITs, IIIMS पूरा यहाँ पे तो फीस स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक सारे यूनिवर्सिटी सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन आए यहाँ पे। ये तो फीस स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, ये फ्यूचर हमारा फ्यूचर बच्चे के लिए लड़ाई कर रहा है। मंदिर के लिए हम टैक्स दे देते हैं, पढ़ाई के लिए हम टैक्स दे देते हैं। मेरा टैक्स पढ़ाई के लिए जाना, मेरा टैक्स मंदिर के लिए नहीं जाना। ऐसा टैक्स मनी फालतू में स्ट्रक्चर्स को बढ़ा रहा है, वो हमको नहीं चाहिए। शिक्षा में स्पेंड करना, तभी हम टैक्स का पेड़ करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं, शिक्षा चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। हाँ, हमको पढ़ाई चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी को पब्लिक मनी स्पेंड करना है। मंदिर को पैसा देने में बहुत लोग हैं, हम पढ़ाई के लिए पैसा दे देंगे, पढ़ने के लिए दे देंगे, स्वास्थ्य के लिए दे देंगे पैसे, किसी दूसरे फालतू के लिए नहीं दे देंगे। मैं एक महीने में 35,000 रुपए टैक्स पे करता हूँ, ये टैक्स कहाँ जा रहा है? कौन जिम्मेदारी है? क्या कोई मोदी हमको बोल सकते हैं टैक्स कहाँ पे जा रहा है? एजुकेशन पे स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाए कर। लेकिन सरकार को जो है आप दिखा रही है कि मंदिर बन रहा है, हिंदुओं की आस्था का जो है सम्मान किया जा रहा है। आस्था विस्था का क्या है? क्या जरूरी है बच्चे के लिए? पढ़ाई जरूरी है, आस्था जरूरी है। जो आस्था जरूरी लोग वो अलग है, जो पढ़ाई करने लोग हैं यहाँ पे उसका ऊपर क्यों खर्च नहीं करना सरकार, उसका ऊपर ही खर्च करना। टैक्स जो पे कर रहे हैं ना हम, पढ़ाई के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, किसी दूसरे चीज के लिए टैक्स नहीं पे करेंगे। तो लेकिन आपको लग रहा है कि जो है बहुत एक तबका है जो कि मंदिर बनने से खुश है और मस्जिद के नाम पर बात, ये जो है यूनिवर्सिटी के नाम पर बात नहीं करते हैं। वही है, पूरा शिक्षा को कर्म कर रहे हैं। जो देश शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं करेगा ना, वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी तो है कि मंदिर के नाम पर वोट मिलते हैं, शिक्षा के नाम पर वोट, वो तो पॉलिटिक्स है। वो तो पॉलिटिक्स है, हम क्या करेंगे? उसको पॉलिटिक्स करना है, शिक्षा के साथ क्यों पॉलिटिक्स करना है? विद्यार्थी लोगों के साथ क्यों पॉलिटिक्स? यानी कि जनता की जो मानसिकता है उसको भी बदलने का जो है समय है। जनता का मानसिकता क्या है? शिक्षा आपको जरूरी नहीं, मेरे को जरूरी नहीं, लेकिन फिर वोट क्यों जो है मंदिर के नाम पर? वो पॉलिटिक्स है, वो छोड़ दीजिए। अब शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जिस तरीका शिक्षा का पैसा नहीं खर्च कर रहा है, यही सवाल उठा रहा है। भैया आप फी इतना बढ़ाई किया तो कहाँ जाएंगे गरीब बच्चे? गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? पब्लिक यूनिवर्सिटीज को खत्म कर रहे हैं। तुम जियो यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए दे दिया, क्या जेएनयू जैसा या हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसा पब्लिक यूनिवर्सिटी में पैसा देने के लिए क्या प्रॉब्लम है तुमको? पढ़ाई बहुत बेसिक चीज है कोई सोसाइटी में। जिस सोसाइटी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देता है उस सोसाइटी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतना ही बोलना। जियो यूनिवर्सिटी का जो आपने जिक्र किया, अंबानी की जो यूनिवर्सिटी है उसको जो है एकाएक जो है एफिलिएशन मिल जाता है और जेएनयू के जो छात्र हैं उनको सरकार पर उतरना पड़ता है। तो क्या आप जो है आप ये कहेंगे कि अंबानी अदानी की सरकार है मोदी सरकार की बजाय? वो अंबानी अदानी सरकार ही है, मीडिया लोगों को ठीक ठाक से पता ही है। और क्या बोलूं, वो अदानी अंबानी का सरकार ही है, जनता लोगों का सरकार नहीं है ना। तो आपको लग रहा है कि शिक्षा जो है, अब जिस तरह से जेएनयू का जो छात्र सड़कों पर उतरा है तो शिक्षा जो है एक सेंटर में आ गया है। सेंटर में आ गया है, सिर्फ जेएनयू नहीं है। आप देख लीजिए बीच में एम्स से पहले बार देख रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंडियन IIT मद्रास में हो रहा है, IIT मुंबई में वो हो रहा है, तमाम यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जिस तरीका से फीसेस बढ़ा के जो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए रोका गया है इसका खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है। ये बच्चे के साथ सारे लोग खड़ा होगा। आज हम टीचर्स हैं, हम खड़ा रहेंगे, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी खड़ा रहे, ठीक है। ये तो लड़ाई करता रहेंगे जब तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये गरीबी लोगों का खिलाफ, ठीक है, और ये पिछड़े लोगों का खिलाफ। तो इसलिए हम इसको पूरी तरीके से 100% अपोज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक बड़ी मांग उठ रही है कि मेरा टैक्स का पैसा जो है वो मंदिर मस्जिद बनाने की बजाय जो है शिक्षा के लिए जो है यूनिवर्सिटीज खोली जाए, बच्चों के लिए जो है फ्री शिक्षा की जाए, इसमें जो है मेरा टैक्स का पैसा खर्च किया जाए। ये एक बड़ी मांग जो है यहाँ पर DU के जो प्रोफेसर हैं वो उठा रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट पड़ते हैं, राजनेता राजनीति करते हैं, क्या शिक्षा के नाम पर जनता अब मजबूर करेगी इन नेताओं को बात करने के लिए। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी